नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। टीचर बहाली परीक्षा फेज दो में बढ़ी सीटों की संख्या। आज है देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। जमुई के वीरेंद्र ने जैवलिन थ्रो में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। पंकज त्रिपाठी ने इस भोजपुरी फिल्म को देखने की अपील। विश्व कप 2023 में किसकी झोली में आएंगे सबसे ज्यादा विकेट, गौतम गंभीर का बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। टीचर बहाली परीक्षा फेज दो में बढ़ी सीटों की संख्या। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा फेज दो की टीचर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अब आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज दो में एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 50,263 पदों को बढ़ाया जाता है। ऐसे में अब इस बहाली परीक्षा के लिए कुल 1,21,370 पद हो गए हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले भी जानकारी दी गई थी कि प्रथम चरण के शिक्षक नियुक्ति में शेष रह गए लगभग 50,000 व्यक्तियों को इस शिक्षक भर्ती फेज दो में जोड़ा जा सकता है, में कक्षा 6 से 8 तक के लिए 16,140 पद, कक्षा 9 से 10 के लिए 18,877 पद और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 18,577 पद शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा के बाद नहीं बल्कि पहले होगा। वहीं इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भरने वाले अभ्यर्थियों को फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। मालूम हो कि आवेदन करने के लिए 25 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आज है देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। आज यानी कि 11 नवंबर को देश के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है। ऐसे में उन्हें आईपीआरडी बिहार के द्वारा पोस्ट शेयर कर सत सत नमन दिया गया है। बता दें कि आज के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मालूम हो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री थे। वह उर्दू कविताओं में महारथी भी थे और देश की आजादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी के साथ सक्रियता से भागीदारी निभाई थी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वह मानते थे कि देश के हर तबके की उच्च शिक्षा के बगैर वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूती संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। देश का पहला आईआईटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समेत अन्य संस्थान उनके शिक्षा मंत्री रहते ही स्थापित कर दिए गए थे, जो आज तक भारत का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने ही इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और सीएसआईआर की भी स्थापना करवाई थी। खगड़िया में के पाठक ने स्कूल का किया निरीक्षण। बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक खगड़िया पहुंचे, जहां उनका स्वागत सदर एसडीओ अमित अनुराग और जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णदेव ठाकुर के द्वारा पुष्प देकर किया गया। इसके बाद के पाठक का काफिला सदर प्रखंड के ननहुकू मंडल टोला स्थित मिडिल स्कूल पहुंचा, जहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और एचएम दिवाकर पंडित से साफ सफाई का हाल जाना। इस दौरान के पाठक के द्वारा बच्चों से हिंदी और अंग्रेजी की किताब भी पढ़वाई गई। इसके अलावा उन्होंने स्कूल के एचएम से पूछा कि क्या शिक्षक समय पर आते हैं या अभी उनके बाइक का टायर पंचर होता है। जमुई के वीरेंद्र ने जैवलिन थ्रो में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तमिलनाडु के कोयंबटूर में बीते 7 से 10 नवंबर तक चल रहे 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के जमुई के खेड़ा प्रखंड क्षेत्र के डुमरकोला के रहने वाले वीरेंद्र कुमार यादव के द्वारा बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अंडर 16 आयु वर्ग में जैवलिन थ्रो में अपने नाम स्वर्ण पदक कर राज्य का नाम रोशन करने का काम किया गया। इसके साथ ही उन्होंने एक राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है। दरअसल उन्होंने 69.45 मीटर भाला फेंक कर पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वीरेंद्र कुमार यादव जून के महीने में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 89वीं सीनियर और जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 64.85 मीटर भाला फेंककर कीर्तिमान स्थापित किया था। वहीं वीरेंद्र कुमार यादव की उपलब्धि से जिले में हर्ष का माहौल है। बिहार के दो ऐसे गांव जहां 13 नवंबर को मनाई जाएगी दीपावली। बिहार के जमुई जिले में ऐसे दो गांव हैं जहां देश में दीपावली मनाने के अगले दिन बाद दिवाली मनाया जाता है। बता दें कि यह गांव बरहट प्रखंड का गुगुलडीह और सिकंदरा प्रखंड का लछुआर है, जहां काफी लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है। इसको लेकर पंडित बताते हैं कि चतुर्दशी और अमावस्या के समागमन में माँ काली प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद अगले दिन दीपावली मनाई जाती है। ऐसे में इस साल अगर देश 12 नवंबर को दीपावली मना रहा है तो यह दोनों गांव 13 नवंबर को दीपावली मनाएंगे। इस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि अपने पूर्वजों से सुना है कि धमना घराने के कुमार बैजनाथ सिंह के द्वारा इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। वहीं यहां की पूजा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इबादत का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आस्था विश्वास का ईश्वर एक ही है। दिवाली छठ पर बिहार पुलिस हाई अलर्ट।
दिवाली और छठ को लेकर बिहार पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिवाली और छठ को लेकर राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें जिला पुलिस बल के साथ साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, दंगा निरोधक कंपनियां, होमगार्ड जवान, अश्वारोही दल के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल शामिल है। पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि आगामी पर्व त्योहारों को लेकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की 24 कंपनी, सिपाही बल की 24 कंपनी को विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही 13,000 अन्य पुलिसकर्मी, 4700 होमगार्ड जवान और 260 पुलिस पदाधिकारियों को भी विधि व्यवस्था में लगाया गया है। 5 टुकड़ी अश्वारोही दल भी तैनात किए गए हैं। वहीं गृह मंत्रालय से 7 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल मिला है, जिसकी तैनाती पटना, गया समेत प्रमुख जिलों में की गई है। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्योहार का आनंद लें। इस साल दिवाली पर माता लक्ष्मी और काली की मूर्ति विसर्जन जुलूस को लेकर भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। CBI ने फर्जी जॉब रैकेट का किया भंडाफोड़। फर्जी नौकरी देने के नाम पर चलाए जा रहे देशव्यापी रैकेट को लेकर CBI की ओर से अलग अलग टीमों के द्वारा बीते 3 दिनों में पटना और अररिया के साथ साथ धनबाद, मुंबई, बेंगलुरु समेत 9 स्थानों पर एक साथ छापा मारा गया, जिसके अंतर्गत इस रैकेट में शामिल बिहार के अररिया जिले के विशाल उर्फ अभिषेक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि CBI के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यह रैकेट एक साथ कई राज्यों में चल रहे थे, जो सरकारी पदों के लिए तैयार करने वाले हताश नौजवानों को फर्जी नौकरी देकर अपना शिकार बनाते थे। इस मामले को लेकर CBI के द्वारा 6 आरोपित और अज्ञात लोक सेवकों व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि तलाशी के दौरान फर्जी कॉल सेंटर, फर्जी नियुक्ति पत्र, नौकरी चाहने वालों के फर्जी प्रशिक्षण डोजियर जैसे आपत्ति जनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच आगे भी फिलहाल जारी है। भारत ही नहीं, इन देशों में भी मनाई जाती है दीपावली। दीपों का पर्व दीपावली न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी मनाया जाता है। बता दें कि दुनिया भर में दीपावली का पर्व अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे मनाने का तरीका समान है। जानकार बताते हैं कि दीपावली का पर्व भारतवर्ष में दीपावली या दिवाली के नाम से जाना जाता है, तो वहीं इसराइल में हंतका प्रकाश उत्सव के नाम से जाना जाता है, जो 8 दिन तक मनाया जाता है और इस दौरान आतिशबाजी की जाती है। जर्मनी में कार्निवल नामक एक समान त्यौहार मनाया जाता है। नेपाल में भी दीपावली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसके स्वरूप में कुछ अंतर है। इसके अलावा श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा के दिन दीपावली का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ 20 मीटर ऊंचाई के भगवान गौतम बुद्ध की झांकी बनाकर उसके इर्द गिर्द और मोमबत्तियां लगाकर साज सज्जा की जाती है। जापान में तोरोनगसी उत्सव मनाया जाता है, जो दीपावली के त्योहार के समान है। मॉरिशस में भी लोग दीपावली मनाते हैं। थाईलैंड में दीपावली को क्रायोंग नाम से जाना जाता है। बर्मा में दीपावली का त्योहार भारत के दीपावली के समान ही मनाया जाता है, यह स्टॉकीज नाम से जाना जाता है। रोम में इसे कैंडल मारू और चीन में महुआ के नाम से याद त्योहार मनाया जाता है। पंकज त्रिपाठी ने इस भोजपुरी फिल्म को देखने की अपील। बिहार के लाल और बॉलीवुड एक्टर के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी के द्वारा लोगों से एक भोजपुरी फिल्म को देखने की अपील की गई है। बता दें कि अपील उन्होंने एक वीडियो मैसेज से की है। दरअसल पंकज त्रिपाठी के द्वारा भोजपुरी फिल्म छठ के बरतिया को देखने की अपील लोगों से की गई है। उन्होंने अपने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि जल्द ही छठ का पवित्र त्यौहार आने वाला है। इस मौके पर भोजपुरी फिल्म छठ के बरतिया रिलीज हो रही है। इस फिल्म में हमारे बहुत सारे सीनियर जूनियर कलाकार है। इस फिल्म को आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। इसके बाद पंकज त्रिपाठी इस फिल्म के कलाकारों के नाम और उन्हें और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया था तो लोगों के द्वारा इसे खूब प्यार मिला था। इस फिल्म में भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा, एक्टर अंशुमन मिश्रा, माही श्रीवास्तव, समर्थ चतुर्वेदी और ऋतु पांडे के द्वारा अभिनय किया गया है। पटना सहित इन 4 शहरों में बैन हुआ पटाखा। 12 नवंबर यानी कि कल दीपावली है और उसके बाद छठ पूजा। ऐसे में इन त्योहारों में खूब पटाखे फोड़े जाते हैं, जिससे राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण और भी बढ़ सकते हैं। इसी को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में दीपावली और छठ पूजा के दौरान पटाखा फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है, तो वहीं बाकी जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखा फोड़ने की अनुमति दी गई है। बता दें कि इसकी निगरानी विशेष टीम के द्वारा की जाएगी। ऐसे में जो लोग भी इन 4 शहरों में पटाखा फोड़ते नजर आएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में वायु नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का पालन करते हुए शहरों में पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। सूचना मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। KK पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर कही यह बात।
बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन कार्य 21 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों से कहा गया है कि आप लोग नियोजित नहीं नियुक्त शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में हुई है। जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रह सकते वे नौकरी छोड़ दें। मालूम हो कि सभी बातें बीते दिन के पाठक की ओर से बेगूसराय के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षकों से संवाद के दौरान कही गई। उन्होंने कहा कि आप सभी को प्रशिक्षण समाप्त होते ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। नियुक्ति पत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कंप्यूटर द्वारा जनरेट होगा, जिसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कंप्यूटर ही तय करेगा कि आपको किस गाँव में जाना है और नहीं जाना है। लालू तेजस्वी पर और कसा शिकंजा। रेलवे में नौकरी देने के नाम जमीन लेने के मामले में ईडी का शिकंजा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर और भी कस गया है। बता दें कि ईडी ने बीते दिन अमित कात्याल नाम के कारोबारी को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। वह यही अमित कात्याल है जिसने राबड़ी सरकार यह वही अमित कात्याल है जिसने राबड़ी सरकार के समय पटना में बियर की फैक्ट्री लगाई थी। बाद में उसने अपनी कंपनी एके इन्फो सिस्टम को तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम कर दिया था। मालूम हो कि इस मामले को लेकर ईडी के द्वारा कई दफे अमित कात्याल नाम के कारोबारी को समन भेजा गया था, लेकिन वे ईडी के सामने पेश होने के बजाय कोर्ट में अपने खिलाफ जारी जाँच को रोकने की अर्जी लगा रहे थे। इसके बाद 6 दिन पहले अमित कात्याल को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के तहत समन जारी करने के स्तर पर ईडी की जाँच प्रक्रिया को दबा नहीं सकते। इसके बाद अमित कात्याल ईडी के सामने पेश हुए, जहां पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मनोज बाजपेयी ने द फैमिली मैन 3 को लेकर दिया बड़ा अपडेट। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो द फैमिली मैन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी के द्वारा हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान द फैमिली मैन 3 सीरीज को लेकर अपडेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वह क्या सवाल है कि द फैमिली मैन का 3रा सीजन कब आ रहा, मैं भी उसका उत्तर चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से आ रही है, इस पर लगातार काम चल रहा है। सीरीज के निर्माता सीजन 3 में जल्दबाजी करने के पक्ष में नहीं है। सीजन 1 से 2 में तक जाने में हमें 3 साल लगे, इसलिए कृपया हमें सीजन 3 के लिए उतना समय दें। उन्होंने कहा कि जब हम सीजन 3 के साथ आएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सरप्राइज सीजन 2 जैसा ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज के दोनों सीजन में प्रियामणि, शरद केलकर, सारिभ हाशमी, दलीप ताहिल, सनी हिंदुजा, श्रेया धनवंतरी और अन्य कलाकार भी शामिल थे। विश्व कप 2023 में किसकी झोली में आएंगे सबसे ज्यादा विकेट, गौतम गंभीर का बयान। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर के द्वारा विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी के झोली में सबसे ज्यादा विकेट आने वाले हैं, उस खिलाड़ी का नाम लिया गया है। उन्होंने स्पोर्ट कीड़ा के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनके हिसाब से वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट बुमराह नहीं बल्कि मोहम्मद शमी चटकाने में सफल होंगे। उन्हें लगता है कि शमी सर्वाधिक विकेट चटकाने में सफल रहेंगे क्योंकि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बल्लेबाज रिस्क नहीं लेंगे। बुमराह विपक्षी टीमों की नजरों में बहुत ही शानदार गेंदबाज है, ऐसे में उनके खिलाफ बैटर्स आक्रमण करने से बचते हैं। उन्होंने कहा कि काफी बार ऐसा होता है कि बेस्ट गेंदबाज के नाम सर्वाधिक विकेट नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि विपक्षी टीमें उस गेंदबाज के खिलाफ संभल कर खेलती है। अगर आपने गौर किया होगा तो बुमराह के शुरुआती स्पेल में उनके खिलाफ कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं करता है। काफी बार होता है कि टीम के बेस्ट गेंदबाज को इकोनॉमी रेट काफी अच्छा रहता है लेकिन उनके नाम ज्यादा विकेट नहीं होते हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 108.12 रुपए और डीजल 94.86 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.57 रुपए और डीजल 95.26 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.84 रुपए और डीजल की कीमत 94.57 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.61 रुपए और डीजल कीमत 95.31 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.60 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, जमुई के वीरेंद्र कुमार यादव ने जैवलिन थ्रो में अपने नाम कौन सा पदक किया। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अगला सवाल, थाईलैंड में दीपावली को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए कार्निवल, ऑप्शन बी हंतका प्रकाश उत्सव, ऑप्शन सी क्रायोंग, ऑप्शन डी नई महुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रायोंग। अगला सवाल, पंकज त्रिपाठी ने कौन सी भोजपुरी फिल्म देखने की लोगों से अपील की है। ऑप्शन ए बिटिया छठी माई के, ऑप्शन बी आशीर्वाद छठी मैया के, ऑप्शन सी छठ के बरतिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छठके बरतिया। अगला सवाल, बीपीएससी नव नियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन कार्य कब तक पूरा करना है? ऑप्शन ए 16 नवंबर 2023, ऑप्शन बी 21 नवंबर 2023, ऑप्शन सी 25 नवंबर 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 नवंबर 2023। अगला सवाल, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद कब तक शिक्षा मंत्री थे? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 2 फरवरी 1960, ऑप्शन डी 2 फरवरी 1958। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 फरवरी 1958। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, नंद कुमार सिंह, गुड़िया कुमारी मौर्य, मोहम्मद फहीम, कृष्ण कुमार यादव, उमेश सिसुदेव, रवि कुमार राम, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकिशोर महतो, प्रवीण कुमार, मोटू रंगीला, रंजीत मिश्रा, कुमोद कुमार, दिलीप मंडल मंसारा, रवि राय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, छोटी दिवाली के अवसर पर आज के दिन आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।